नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इकोनोमेट्रिक्स में जनरली यूज होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, होमोस्टैटिसिटी, हेटरोस्टैटिसिटी। तो फर्स्ट हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट नंबर आर। ठीक है, तो मेनली हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ये बताता है कि हमारे जो डेटा सेट के जो नंबर्स होते हैं वो कितने ज़्यादा जो फैले हुए हैं। ठीक है, डेटा सेट के जो नंबर आ रहे हैं वो कितने फैले हुए हैं ये बताएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हमारे डेटा सेट के नंबर जो है वो एक वाइड रेंज में फैले हुए हैं, ठीक है, ज़्यादा अगर वो फैले हुए हैं तो इसका मतलब होगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हाई होगा। ठीक है, इसके अलावा डेटा सेट के अगर नंबर जो है वो हमारे एक नैरो रेंज से, ठीक है, एक कम जो है उससे फैले हुए हैं तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो लो होगा। अब जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लो होता है तो उसका मतलब होता है कि हमारा जो डेटा सेट की वैल्यू होती है वो मेन वैल्यू के पास आएगी। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है तो इसका मतलब होता है कि हमारे डेटा सेट की जो वैल्यू होंगी वो मेन के पास में नहीं होंगी। ठीक है, अब इसके अलावा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन मेनली हम समझ सकते हैं कि वो एक कर्व की वेरिएबिलिटी को भी दिखाता है। ठीक है, एक कर्व की वेरिएबिलिटी मीन्स कि जो कर्व है वो कितना वाइड है या फिर वो कितना नैरो है। ठीक है, ये होती है उसकी वेरिएबिलिटी। तो ये उसकी वेरिएबिलिटी कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा फैला हुआ है, कितना कम फैला हुआ है, तो ये यहाँ पे एक कर्व की वेरिएबिलिटी को दिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे डेटा सेट के नंबर के फैलाव जो होता है या उसके फैलने की जो मात्रा है उसके बारे में बताता है, और इसके साथ में एक जो कर्व है उसकी वाइडनेस या फिर उसकी नैरो जो सिचुएशन है उनके बारे में भी हमें बताता है। ठीक है, उसके वेरिएशन के बारे में भी हमें बताता है। अब हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको सिग्मा के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका साइन होता है सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सिग्मा के द्वारा डिनोट करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा वेरियंस। तो वेरियंस मेजर हाउ फार अ सेट ऑफ नंबर इज स्प्रेड आउट फ्रॉम देयर एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब पीछे हमने किया था कि सिर्फ डेटा सेट की जो वैल्यू थी वो कितनी फैली हुई है ये देखा था हमने, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि उसकी एवरेज वैल्यू वो कितनी फैली हुई है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ देखा कि उसकी जो डेटा सेट की वैल्यू थी वो कितनी वैल्यू है, यहाँ पे हम देखेंगे कि एवरेज जो वैल्यू है वो यहाँ पे उसकी कितनी फैली हुई है। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि वेरिएंस मेजर वेरिएबिलिटी फ्रॉम द मीन। ठीक है, कि मीन की वेरिएबिलिटी कितनी है, मीन जो है उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे हम जो डेटा सेट ले रहे हैं उसकी वैल्यू मीन से कितनी ज़्यादा या फिर जो है कितनी कम आ रही है इसके बारे में हमें बताता है वेरिएंस। ठीक है, तो मेनली कह सकते हैं कि हमारे डेटा सेट की जो एवरेज वैल्यू या मीन जो है वो ये दोनों कितने ज़्यादा हैं या फिर कितने कम जो है वो होते हैं। अब इसको मेनली एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। हम जो है एक फैमिली को लेते हैं। ठीक है, उस फैमिली में उन चार लोगों की हाइट को यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो पहला जो व्यक्ति ए है उसकी हाइट हमने ली है 6.5। ठीक है, बी जो पर्सन है उसकी हाइट ली हमने 6, सी जो पर्सन है उसकी हाइट ली हमने 5, और डी जो पर्सन है उसकी हाइट ली हमने 4.5। अब इनकी जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू निकाल ली हमने इनकी, मीन जो वैल्यू निकाली हमने इनकी वो आई 5.5। तो ये इनकी मीन वैल्यू थी। अब मीन वैल्यू आने के बाद अब हम देखेंगे इनकी वेरिएशन को। ठीक है, कि ये वैल्यू वेरिएशन में हम देखते हैं कि इनके बीच डिफरेंस जो है वो इनका वेरिएशन कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो है 1 का, फिर उसके बाद जो है
हमारा 6 और 5.5 के बीच जो 0.5 का, उसके बाद 5 और 5.5 के बीच जो वेरिएशन है वो हमारा है -0.5 का, ठीक है, उसके बाद -1 का, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन आया है, ठीक है, ये वेरिएशन जो है यही हमारे वेरियंस को शो करता है, ठीक है, कि हमारे जो डेटा हमने जो मीन वैल्यू निकाल रखी है वो कितनी ज़्यादा आई है, ठीक है, फिर कितनी कम आई है, कितनी फिर से ज़्यादा आई है, कितनी कम आई है। तो ये चीज़ जो है ये इसके वेरिएशन को शो कर रहा है, ठीक है, कि मीन वैल्यू से ये कितनी ज़्यादा है या फिर कितनी कम है, यही जो है हमारे वेरियंस को शो करता है। ये था हमारा वेरियंस। फिर इसके बाद आता है कोवेरियंस। कोवेरियंस मेजर द टोटल वेरिएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेड वैल्यू। कोवेरियंस इज मेजर ऑफ द जॉइंट वेरिएबिलिटी ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। अब देखिए, हमने जो वेरिएंस किया है, वेरिएंस में हमने एक फैक्टर को लिया था, जैसे कि हाइट को हमने जो लिया था और उसके वेरिएशन के बारे में देखा था। लेकिन कोवेरिएंस में हम जो है यहाँ पे दो फैक्टर के वेरिएशन को लेते हैं, ठीक है, टू रैंडम वेरिएबल्स जो है वो हम लेंगे, ठीक है, और उनके बारे उनके जो वेरिएबिलिटी है, ठीक है, वेरिएबिलिटी जो उनकी है उनको हम यहाँ पे लेते हैं। इसलिए यहाँ पे जॉइंट वेरिएबिलिटी का यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे दो जो है वो रैंडम वेरिएबल होते हैं। अब बात करते हैं कि कोवेरियंस जो है जनरली होता क्या है। तो कोवेरियंस जो है हमें दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, कि वो कैसे एक दूसरे वेरिएबल से रिलेटेड है, कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से रिलेटेड है, यही चीज़ बताती है हमें कोवेरियंस, ठीक है। कि मान लीजिए कि हमारी अभी जो है मौसम, वो टेम्परेचर जो है वो हाई है, ठीक है, टेम्परेचर हाई है तो आइसक्रीम की जो डिमांड है, ठीक है, आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। टेम्परेचर हाई होने से आइसक्रीम की डिमांड पे इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। एक वेरिएबल है टेम्परेचर, एक वेरिएबल है हमारा आइसक्रीम, ठीक है, ये दो वेरिएबल ये हैं। अब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कैसे रिलेटेड है, कि टेम्परेचर और आइसक्रीम के बीच जो रिलेशन यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, तो इनको दिखाता है मेनली कोवेरियंस, ठीक है। तो इनके दो वेरिएबल कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अगर टेम्परेचर हाई होता है तो आइसक्रीम की डिमांड जो है वो ज़्यादा इनकी होगी, टेम्परेचर कम होगा तो आइसक्रीम की डिमांड कम होगी, तो ये दोनों चीज़ जो है यहाँ पे उनके बीच जो रिलेशनशिप को दिखा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं हम कोवेरियंस को शो कैसे करते हैं। तो कोवेरियंस को शो करते हैं हम कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, वेरिएबल एक्स एंड वाई ऐसे, और इस ऐसे जो है हम इसको कोवेरियंस को डिनोट करते हैं। अब इसके अलावा एक फॉर्मूला करते हैं जो कि पॉपुलेशन कोवेरियंस को डिनोट करेगा। समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, फर्स्ट जो है वेरिएबल, और वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है, ये सेकंड वेरिएबल, बाय में एन। तो ये जो है हमारे पॉपुलेशन कोवेरियंस को यहाँ पे हम कह सकते हैं डिनोट करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें कोई सैंपल लेके कोवेरियंस निकालना है तो यहाँ पे हम जो एन हमने लिया था, एन पूरी पॉपुलेशन को यहाँ पे डिनोट कर रहा है, तो अगर सैंपल की बात करते हैं तो हमें जो है एन माइनस में वन यहाँ पे करना पड़ेगा, तो इस यहाँ पे हमारा सैंपल कोवेरियंस हम ऐसे निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद है हमारा होमोसेडास्टिसिटी। होमोसेडास्टिसिटी में हम जो है अब यहाँ पे लेंगे कि यहाँ पे हमारे रैंडम वेरिएबल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल हुआ एक्स एंड वाई, रैंडम वेरिएबल वाई एंड एक्स, ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं। अब दो वेरिएबल्स के बीच में होमोसेडास्टिसिटी में ये बताया जाता है कि हमारे दोनों वेरिएबल जो है एक सीक्वेंस में इंक्रीज होते हैं,
ठीक है, दोनों वेरिएबल जब एक सीक्वेंस में इंक्रीज होंगे, दो वेरिएबल एक सीक्वेंस में अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इसी चीज़ को हम जो है इसी वेरिएशन को हम जो है होमो सिडास्टिसिटी बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो वेरिएंस होता है वो सेम होता है, ठीक है, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सेम एक रेशो में ये बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से इनका वेरिएंस भी जो है वो यहाँ पे सेम होता है, या फिर कह सकते हैं कि हम यहाँ पे जो इनका वेरिएंस है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, वेरिएंस कांस्टेंट होगा। और रैंडम वेरिएबल जो है एक सीक्वेंस में अगर इंक्रीज होंगे तो इसी सिचुएशन को हम जो है होमो सिडास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो होमो सिडास्टिसिटी हुआ कि जब हमारे रैंडम वेरिएबल एक सीक्वेंस में इंक्रीज होते हैं और इसके साथ इनका जो वेरिएंस होता है वो भी यहाँ पे कांस्टेंट होता है, तो उस सिचुएशन को हम होमो सिडास्टिसिटी बोलते हैं। फिर इसके बाद सिचुएशन आती है हेट्रो सिडास्टिसिटी की। अब हेट्रो सिडास्टिसिटी एक कह सकते हैं हम कि होमो सिडास्टिसिटी का अपोजिट वर्ड है, ठीक है, कि जहाँ पे होमो सिडास्टिसिटी नहीं होगी, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएंस नहीं होगा, वहाँ पे हमारी हेट्रो सिडास्टिसिटी की जो है सिचुएशन वो पाई जाती है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि जहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है वो एक सीक्वेंस में ना इंक्रीज होके, ठीक है, उनमें जो वेरिएशन है वो अलग टाइप का हो, जैसे कि यहाँ इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस में इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, यहाँ पहले कम थे, फिर धीरे धीरे जो है इनकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, यहाँ पे इधर जो है ये देखिए पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगी। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि हमारे जो रैंडम वेरिएबल हैं वो एक सीक्वेंस में इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कि ना ही हमारे अब सीक्वेंस में इंक्रीज नहीं होंगे, इसका मतलब ये होगा कि उनका वेरिएंस भी जो है वो भी यहाँ पे सेम जो है नहीं होगा, ठीक है। वेरिएंस इसीलिए सेम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो हम इनकी वेरिएबिलिटी जो है, ठीक है, वेरिएबिलिटी जो है वो भी यहाँ पे अनइक्वल होती है, ठीक है, वो भी यहाँ पे एक जैसी नहीं होगी, अनइक्वल वेरिएबिलिटी के कारण यहाँ पे वेरिएंस भी जो है वो डिफरेंट होगा, फिर उसकी वजह से जो हेट्रो सिडास्टिसिटी की सिचुएशन है वो यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो ये था हेट्रो सिडास्टिसिटी, मेनली हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हमारा वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है वहाँ हेट्रो सिडास्टिसिटी की सिचुएशन पाई जाती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।